Hello guys, this is JR and you're watching Work at Our Jobful. Guys, मैं फिर से लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए फ्री जॉब. तो गाइस अगेन आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल का आइकॉन को भी टच कर लें. गाइस आज की जॉब फिर से आप लोगों के लिए अलग लोकेशन में, होटल में वेटर, हेल्पर और कुक की जॉब. वीडियो को पूरा देखे से अच्छा देखें और एंड तक देखें. कहने का तात्पर्य है कि बिना इन्फॉर्मेशन का आप कॉल नहीं करें. अगेन बिना इन्फॉर्मेशन का कॉल नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें. फ्रेंड्स जॉब होटल लाइन में आप लोगों के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों के लिए ये जॉब, जिसमें अच्छी व्यवस्था के साथ में खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा. एक्चुअल में बात करूं तो हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट आपको जो है ना एक 90-95% जो है जॉब्स आप लोगों को जो मिलेगी ना वो सब खाना पीना फ्री वाले ही मिलेगी, जिसमें रूम की फैसिलिटी फ्री हो, जिसमें खाना फ्री हो, वही जॉब आपको देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे. तो गाइस अगेन आप लोगों के लिए होटल लाइन में जॉब है. फ्रेशर की बात करूंगा मैं स्टार्टिंग में, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो बंदा करना चाहता है होटल लाइन में काम, जिसको जीरो नॉलेज है, उस कैंडिडेट्स के लिए साफ सफाई का काम रहेगा, सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 10,000, खाना पीना फ्री, ड्यूटी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा ड्यूटी. इसके अलावा जिसको एक्सपीरियंस है वेटर लाइन में, वेटर का मतलब समझता ना, जो जाता है ऑर्डर लेता है, टेबल पे जाता है और कस्टमर को मैनेज करता है, उसका जिसको एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल या फिर उससे ज़्यादा, उसकी सैलरी 12 से चालू होती है, 11,000 12,000 13,000 14,000, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके अकॉर्डिंग सैलरी. और खाना पीना फ्री, ड्यूटी सेम आपकी 10 से 11 घंटा, 11 घंटा नहीं रहता, 10 घंटा ही रहता है. इसके अलावा कुक, कुक में पहले मैं बात करूंगा चाय कॉफी बनाने वाले का, जो टी मेकर रहता है, जिसको चाय या कॉफी का एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहता है, उसकी वैकेंसी, उसकी सैलरी स्टार्टिंग 15,000 से लगाकर 20,000 तक सैलरी, खाना पीना बिल्कुल फ्री, टाइमिंग सेम रहता है. इसके अलावा कुक की बात करूंगा, जो नॉर्थ इंडियन कुक है, जिसको रोटी वगैरह सब कुछ बनाना आता है, उसकी वैकेंसी, उसकी सैलरी 18 से लगाकर 20,000 25,000, मतलब डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, प्रीवियस सैलरी कितनी है, आपको नॉर्थ इंडिया में क्या क्या बनाना आता है, स्वीट भी बनाना आता है कि नहीं आता ना, कितना जो है फास्ट आप बनाते हैं, वो सारा का सारा डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, टाइमिंग आपका सेम. तो कहने का मतलब है आज का ये जॉब टोटली होटल लाइन के रिलेटेड में है. स्टार्टिंग फ्रेशर से लगाकर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, कुक से लगाकर हेल्पर कैटेगरी तक इसमें जो है आपको काम देखने को मिलेगा. लैंग्वेज कौन सा भी रहेगा तो चलेगा. अब लोकेशन की बात करूं तो अलग अलग लोकेशन में अलग हमारे पास जो है वैकेंसीज आती रहती हैं. अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप करना चाहते हैं तो कभी भी आप जो है होटल लाइन में जाना चाहते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं. कभी की कहने का मतलब है संडे सैटरडे कॉल नहीं करेगा इस, कहने का मतलब है कि आप चाहे कि मैं होटल लाइन में जाना चाहता हूं तो पहले पूछूं सर से कि क्या उनके पास होटल लाइन में भी काम है या नहीं है. तो उसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास होटल लाइन के रिलेटेड में एनी टाइम जॉब रहता है. बेंगलोर, चित्तूर, मुंबई, दिल्ली, आपको हर एक लोकेशन में हमारे पास होटल लाइन में काम मिल जाएगा. शर्त यह है कि बंदा काम करने वाला होना चाहिए. जाता है बंदा 3-4 दिन 6 दिन रहता है और वापस वहां से आता, सर मुझे तो पानी सूट नहीं हुआ, सर मुझे तो टाइमिंग सूट नहीं हुआ, तो ऐसे कैंडिडेट्स हमारे पास कॉल नहीं करेगा इस. देखिए हम लोग फ्री में जॉब देते हैं, फ्री में जॉब देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल आए या फिर आप टाइम पास के लिए हमारे पास आए, नहीं गाइस, इसमें आप लोगों का ही जो है टाइम वेस्ट जाता है, इसमें हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है. तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जिसको काम की जरूरत है, टाइम पास के लिए फोन नहीं करें. तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है होटल लाइन में वो बंदा कॉल करें. कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक है.
डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका बंदे का एक फोटो और उसका बैंक का जेरोक्स का कॉपी उतना ही लगता है। अब एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी रहने दो, डजन अ मैटर, वो आपको इसमें मैटर नहीं करता है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे कमेंट्स की जो यूट्यूब पे कमेंट्स आते रहते हैं, जो है 2-3 दिन पहले, मतलब एक लास्ट वीक किसी ने कमेंट्स किया था कि जो है सर आपके पास कौन कौन काम करे उसका हम लोगों को सैलरी स्लिप भेज सकते हैं क्या। मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कभी कभी हंसी आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं कि उस भाई से मैं बोलना चाहता हूं कि तुम मेरे ऑफिस आओ, मेरे ऑफिस आओ, देखो कि कितने बंदे काम कर रहे हैं और क्या क्या सैलरी आती है उनको। फालतू में बकवास करने के लिए हमारे यहाँ नहीं आए। ऐसे कैंडिडेट्स जो है ना वो दूसरे को भटकाने का काम करते हैं, ना तो खुद काम करते हैं कहीं पे और ना किसी को करने देते हैं। हमारे यहाँ हमेशा फ्री जॉब रहती है, जनरल जॉब रहती है। अगर मैं यही सारी जॉब्स आपसे 1,000-2,000 रुपए लेके अगर मैं देता हूँ ना, तो आप सीधा बोलेंगे सर बहुत अच्छे काम देते हैं, बहुत अच्छा जेन्युइन जॉब देते हैं, क्योंकि मैं पैसा लेता हूँ। कहने का मतलब समझते हैं ना, जहां पैसा लिया जाता है वहां लोग आजकल जो है वैल्यू समझते हैं, जहां फ्री दिया जाता है वहां वैल्यू नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, फ्री जॉब मिलती है, फ्री जॉब रहती है। सिर्फ आप लोगों को एक अंधेरे में रखा जाता है कि फ्री में जॉब कोई नहीं देता करके, ऐसा नहीं है। हर जगह फ्री जॉब मिलती है और देते हैं लोग। पैसा वो लोग लेते हैं जिसको जो क्या बोलता है ना कि अपना पेट नहीं भरता उनसे, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी क्या करती है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि जो है पैसे लेने वाली कंपनी फेक है या फिर वो काम नहीं देती, देती है आपको, श्योरली काम देती है, आपको काम करवाती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब आप काम करेंगे तो आप पैसे क्यों देंगे। पहले बात तो वो कंपनियां जो है ना वो ऑलरेडी दूसरी कंपनी से पेमेंट लेती है, आप जो भेजते हैं ना आपको जो जहां काम पे वहीं से वो पेमेंट लेती है, प्लस आपसे भी लेती है। तो ऐसा क्यों करना भाई। कैंडिडेट्स अगर मेहनत कर रहा है, खून पसीना जो है ये करता बंदा, गरीब बेचारा कहीं से भी आके मेहनत करता है, तो उससे पैसे क्यों लेना यार। मैं तो एक ही चीज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फालतू का टाइम पास करने के लिए, फालतू का कमेंट्स करने के लिए ना तो मेरे चैनल पे कोई जगह है, ना मेरे यहाँ कोई जो किसी बंदे के लिए कोई जगह ऐसी कि जो है आप मेरे यहाँ आइए, फालतू में जो टाइम पास करके जाइए या फिर जो फालतू की बकवास से जो कमेंट्स कीजिए। नहीं गाइस, मैं हर बात एक ही बात बोलता हूँ कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जिसको नीड है काम की, बस वही बंदा कॉल करे। अगर किसी को बोलता है कि सर मुझे तो विश्वास नहीं है और जो है मुझे विश्वास देने के लिए कुछ ऐसा प्रूफ भेजिए, तो उस मेरा उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर विश्वास चाहिए तो वहां जाओ जहां आप पेमेंट करते हो। वहां आपको जहां जब 3,000-4,000 रुपये पेमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उनके जो विश्वास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट अगेन की वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद ही कॉल करें। होटल लाइन में, होटल कैटेगरी में आप लोगों के लिए एक और बार हम ये जॉब लेके आए हैं। जिस चीज को नीड है, जिस चीज को काम चाहिए, वो बंदा कॉल करें। फ्रेंड्स, हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और अच्छी जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।